स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। पिछले वीडियो पे हमने बात किया था भीष्म पितामह और युधिष्ठिर का संवाद, ठीक है, जब महाभारत युद्ध के बाद। वही 4-5 वीडियो से कंटिन्यू हो रहा है, तो पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइएगा, शुरुआत से देखिएगा या पिछला वीडियो देखिएगा। उसके बाद आज का चैप्टर है माता पिता और गुरु की सेवा का महत्व। तो युधिष्ठिर ने पूछा, भारत धर्म का ये मार्ग बहुत बड़ा है और इसकी बहुत सी शाखाएं हैं। इन धर्मों में से किसको आप विशेष रूप से आचरण में लाने योग्य समझते हैं? सब धर्मों में कौन सा कार्य आपको श्रेष्ठ जान पड़ता है, जिसका अनुष्ठान करके मैं इहलोक और परलोक में भी परम धर्म का फल प्राप्त कर सकूं? भीष्म जी ने कहा, राजन, मुझे तो माता पिता तथा गुरुजनों की पूजा ही अधिक महत्व की वस्तु जान पड़ती है। इस लोक में इस पुण्य कार्य में संलग्न होकर मनुष्य महान यश और श्रेष्ठ लोक पाता है। तात युधिष्ठिर, भली भांति पूजित हुए वे माता पिता और गुरुजन जिस काम के लिए आज्ञा दे, वो धर्म अनुकूल हो या विरुद्ध, उसका पालन करना ही चाहिए। जो उनकी आज्ञा के पालन में संलग्न है, उसके लिए दूसरे किसी धर्म के आचरण की आवश्यकता नहीं है। जिस कार्य के लिए वे आज्ञा दे, वही धर्म है, ऐसा धर्मात्माओं का निश्चय है। वे माता पिता और गुरुजन ही तीन लोक है, तीनों लोक है, यही तीनों आश्रम है, यही तीनों वेद है और यही तीनों अग्नियां हैं। पिता गार्हपत्य अग्नि है, माता दक्षिणाग्नि मानी गई है और गुरु आवनीय अग्नि का स्वरूप है। लौकिक अग्नियों से माता पिता आदि विविध अग्नियों का गौरव अधिक है। यदि तुम इन तीनों की सेवा में कोई भूल नहीं करोगे तो तीनों लोकों को जीत लोगे। पिता की सेवा से इस लोक को, माता की सेवा से परलोक को तथा नियम पूर्वक गुरु की सेवा से ब्रह्मलोक को भी लांग जाओगे। भरत नंदन, इसीलिए तुम त्रिविध लोक स्वरूप इन तीनों के प्रति उत्तम बर्ताव करो, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा करने से तुम्हें यश और महान फल देने वाले धर्म की प्राप्ति होगी। इन तीनों की आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करें। इनको भोजन कराने के पहले स्वयं भोजन ना करें। इनको कोई दोषारोहण रोशन ना करे और सदा इनकी सेवा में संलग्न रहे। यही सबसे उत्तम पुण्य कर्म है। निःश्रेष्ठ इनकी सेवा से तुम कीर्ति, पवित्र यश और उत्तम लोक सब कुछ प्राप्त कर लोगे। जिसने इन तीनों का आदर कर लिया, उसके द्वारा संपूर्ण लोगों का आदर हो गया, और जिसने इनका अनादर कर दिया, उसके संपूर्ण शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं। शत्रु को संताप देने वाले नरेश, जिसने इन तीनों गुरुजनों का सदा अपमान ही किया है, उसके लिए ना तो ये लोक सुखद है और ना परलोक। ना इस लोक में और ना परलोक में ही उसका यश प्रकाशित होता है। परलोक में जो अन्य कल्याणमय सुख की प्राप्ति बताई गई है, वो भी उसे सुलभ नहीं होती है। मैं तो सारा शुभ कर्म करके इन तीनों गुणों को ही समर्पित कर देता था। इससे मेरे उन सभी शुभ कर्मों का पुण्य 100 गुना और 1000 गुना बढ़ गया है। युधिष्ठिर, इसी से तीनों लोक मेरी दृष्टि के सामने प्रकाशित हो रही है। आचार्य सदा 10 क्षत्रियों से बढ़कर है। उपाध्याय विद्यागुरु 10 आचार्य से अधिक महत्व रखता है। पिता 10 उपाध्यायों से बढ़कर है और माता का महत्व 10 पिताओं से भी अधिक है। वो अकेली ही अपने गौरवों के द्वारा सारी पृथ्वी को भी तिरस्कृत कर देती है। अतः माता के समान दूसरा कोई गुरु नहीं है। परंतु मेरा विश्वास है कि गुरु का पद पिता और माता से भी बढ़कर है, क्योंकि माता पिता तो केवल इस शरीर को जन्म देने के ही उपयोग में आते हैं। भारत, पिता और माता केवल शरीर को ही जन्म देते हैं, परंतु आचार्य का उपदेश प्राप्त करके जो द्वितीय जन्म उपलब्ध होता है, वो दिव्य है, अजर अमर है। पिता माता यदि कोई अपराध करे तो भी वे सदा अवध्य ही है, क्योंकि पुत्र या शिष्य पिता माता और गुरु का अपराध करके भी उनकी दृष्टि से दूषित नहीं होते हैं। वे गुरुजन पुत्र या शिष्य पर स्नेहवश दोषारोपण नहीं करते हैं, बल्कि सदा उसे धर्म के मार्ग पर ही ले जाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे पिता माता आदि गुरुजनों का महत्व महर्षियों सहित देवता ही जानते हैं। जो सत्य
कर्म के द्वारा और यथार्थ उपदेश के द्वारा पुत्र या शिष्य को कवच की भांति ढक लेता है, सत्य स्वरूप वेद का उपदेश देता और असत्य की रोकथाम करता है, उस गुरु को ही पिता और माता समझे और उसके उपकार को जानकर कभी उससे द्रोह ना करें। जो लोग विद्या पढ़ कर गुरु गुरु का आदर नहीं करते, निकट रहकर मन वाणी और क्रिया द्वारा गुरु की सेवा नहीं करते हैं, उन्हें गर्भ के बालक की हत्या से भी बढ़कर पाप लगता है। संसार में उनसे बड़ा पापी दूसरा कोई नहीं है। जैसे गुरु का कर्तव्य है शिष्यों को आत्मोन्नति के पथ पर पहुंचाना, उसी तरह शिष्यों का धर्म है गुरुओं का पूजन करना। अतः जो पुरातन धर्म का फल पाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे गुरुओं की पूजा अर्चना करें और प्रयत्नपूर्वक उन्हें आवश्यक वस्तुएं ला कर दें। मनुष्य जिस कर्म से पिता को प्रसन्न करता है, उसी के द्वारा प्रजापति ब्रह्मा जी भी प्रसन्न होते हैं, तथा जिस प्रताप से वो माता को प्रसन्न कर लेता है, उसी के द्वारा समूची पृथ्वी की भी पूजा हो जाती है। जिस कर्म से विद्या गुरु को प्रसन्न करता है, उसी के द्वारा परब्रह्म परमात्मा की पूजा संपन्न हो जाती है, अतः गुरु माता पिता से भी अधिक पूजनीय है। गुरु के पूजित होने पर पितरों सहित देवता और ऋषि भी प्रसन्न होते हैं, इसलिए गुरु परम पूजनीय है। किसी भी बर्ताव के कारण गुरु अपमान के योग्य नहीं होता, इसी तरह माता और पिता भी अनादर के योग्य नहीं है। जैसे गुरु माननीय है, वैसे ही माता पिता भी है। वे तीनों कदापि अपमान के योग्य नहीं है। उनके किए हुए किसी भी कार्य की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरुजनों के इस सत्कार को देवता और महर्षि भी अपना सत्कार मानते हैं। अध्यापक, पिता और माता के प्रति जो मन वाणी और क्रिया द्वारा द्रोह करते हैं, उन्हें भ्रूण हत्या से भी महान पाप लगता है। संसार में उससे बढ़कर दूसरा कोई पापाचारी नहीं है। जो पिता माता का औरस पुत्र है और पाल पोस कर बड़ा कर दिया गया है, वो यदि अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं करता है, तो उसे भ्रूण हत्या से भी बढ़कर पाप लगता है और जगत में उससे बड़ा पापात्मा दूसरा कोई नहीं है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, स्त्री हत्यारे और गुरुघाती, इन चारों के पाप का प्रायश्चित हमारे सुनने में नहीं आया है। तो भीष्म पितामह ने ये किसी और से सुना होगा, ठीक है, वही सुन के युधिष्ठिर को बता रहे हैं, क्योंकि उस समय ज्ञान जो बोला जाता था उसी पर विश्वास किया जाता था। ये सारी बातें जो इस जगत में पुरुषों के द्वारा पालनीय हैं, यहाँ विस्तार के साथ बताई गई है। यही कल्याणकारी मार्ग है, इससे बढ़कर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। मनुष्य धर्मों का अनुसरण करके यहाँ सबका सार बताया गया है। सत्य असत्य का विवेचन, धर्म का लक्षण तथा व्यवहारिक नीति का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत नंदन, धर्म में स्थित रहने की इच्छा वाला मनुष्य कैसे बर्ताव करे? विद्वान, मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। भरत श्रेष्ठ, आप मुझसे इसका वर्णन कीजिए। राजन, सत्य और असत्य ये दोनों संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, किंतु धर्म पर विश्वास करने वाला मनुष्य इन दोनों में से किसका आचरण करे? क्या सत्य है और क्या झूठ, तथा कौन सा कार्य सनातन धर्म के अनुकूल है? किस समय सत्य बोलना चाहिए और किस समय झूठ? भीष्म जी ने कहा, भारत, सत्य बोलना अच्छा है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, परंतु लोक में जिसे जानना अत्यंत कठिन है, उसी को मैं बता रहा हूँ। जहाँ झूठ ही सत्य का काम करे, किसी प्राणी को संकट से बचाए, अथवा सत्य ही झूठ बन जाए, किसी के जीवन को संकट में डाल दे, ऐसे अवसर पर सत्य नहीं बोलना चाहिए, वहाँ झूठ बोलना ही उचित है। जिसमें सत्य स्थिर ना हो, ऐसे मूर्ख मनुष्य ही मारा जाता है। सत्य और असत्य का निर्णय करके सत्य का पालन करने वाला पुरुष ही धर्माज्ञ माना जाता है। जो नीच है, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, तथा जो अत्यंत कठोर स्वभाव का है, वो मनुष्य भी कभी अंधे पशु को मारने वाले बलाक नामक व्याध की भांति महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। कर्ण पर्व। कैसा आश्चर्य है कि धर्म की इच्छा रखने वाला मूर्ख तपस्वी सत्य बोलकर भी अधर्म के फल को प्राप्त हो जाता है। कर्ण पर्व अध्याय इतना। और गंगा के तट पर रहने वाले एक उल्लू की भांति कोई हिंसा करके भी महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, तुम्हारा ये पिछला प्रश्न भी ऐसा ही है। इसके अनुसार धर्म के स्वरूप का विवेचन करना
यह समझना बहुत कठिन है, इसलिए उसका प्रतिपादन करना भी दुष्कर ही है। अतः धर्म के विषय में कोई किस प्रकार निश्चय करे, प्राणियों के अद्भुत और कल्याण के लिए ही धर्म का प्रवचन किया गया है। अतः जो इस उद्देश्य से युक्त हो, अर्थात जिससे अद्भुत और निश्चयस सिद्ध होते हो, वही धर्म है, ऐसा शास्त्रवेत्ताओं का निश्चय है। धर्म का नाम धर्म इसलिए पड़ा है कि वो सबको धारण करता है, अधोगति में जाने से बचाता और जीवन की रक्षा करता है। धर्म ने ही सारी प्रजाओं को धारण कर रखा है, अतः जिससे धारण और पोषण सिद्ध हो, वही धर्म है, ऐसा धर्मवेत्ताओं का निश्चय है। प्राणियों की हिंसा ना हो, इसके लिए धर्म का उपदेश किया जाता है। अतः जो अहिंसा से युक्त हो, वही धर्म है, ऐसा धर्मात्माओं का निश्चय है। राजन कुरुश्रेष्ठ अहिंसा, सत्य, अक्रोध, तपस्या, दान, मन और जितेंद्रिय का संयम, विशुद्ध बुद्धि, किसी के दोष ना देखना, किसी से डाह और जलन ना रखना तथा उत्तमशील स्वभाव का परिचय देना, ये धर्म है। देवाधिदेव परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने इन्हीं को सनातन धर्म बताया है। जो मनुष्य इस सनातन धर्म में स्थित है, उसे ही कल्याण का दर्शन होता है। वेद में जिसका प्रतिपादन किया गया है, वही धर्म है। ये एक श्रेणी के विद्वानों का मत है, किंतु दूसरे लोग धर्म का ये लक्षण नहीं स्वीकार करते हैं। हम किसी भी मत पर दोषारोपण नहीं करते, इतना अवश्य है कि वेद में सभी बातों का विधान नहीं है। जो अन्याय से अपहरण करने की इच्छा रखकर किसी धनी के धन का पता लगाना चाहते हो, उस लुटेरों से उसका पता ना बताएं, और यही धर्म है, ऐसा निश्चय रखें। यदि ना बताने से उस धन का उपाय उस धनी का बचाव हो जाता हो, तो किसी तरह वहाँ कुछ बोले ही नहीं। परंतु यदि बोलना अनिवार्य हो जाए और ना बोलने से लुटेरों के मन में संदेह पैदा होने लगे, तो वहाँ सत्य बोलने की अपेक्षा झूठ बोलने में ही कल्याण है। यदि इस विषय में विचारपूर्वक निर्णय किया गया, यदि शपथ खा लेने से भी पापियों के हाथ से छुटकारा मिल जाए, तो वैसा ही करें। जहाँ तक बस चले, किसी तरह भी पापियों के हाथ में धन न जाने दें, क्योंकि पापाचारियों को दिया हुआ धन दाताओं को भी पीड़ित कर देता है। जो कर्जदार को अपने अधीन करके उससे शारीरिक सेवा कराकर धन वसूल करना चाहता है, उसके दावों को सही साबित करने के लिए यदि कुछ लोगों को गवाही देनी पड़े और वे गवाह अपनी गवाही में कहने योग्य सत्य बात को ना कहे, तो वे सब के सब मिथ्यावादी होते हैं। परंतु प्राण संकट के समय, विवाह के अवसर पर, दूसरे के धन की रक्षा के लिए तथा धर्म की रक्षा के लिए असत्य बोला जा सकता है। कोई नीच मनुष्य भी यदि दूसरों की कार्य सिद्धि की इच्छा से धर्म के लिए भीख मांगने आए, तो उसे देने की प्रतिज्ञा कर लेने पर अवश्य ही धन का दान देना चाहिए। इस प्रकार धनोत्पार्जन करने वाला यदि कपटपूर्ण व्यवहार करता है, तो वो दंड का पात्र होता है। जो कोई धर्म साधक मनुष्य धार्मिक आचार से भ्रष्ट हो, पाप मार्ग का आश्रय ले, उसे अवश्य दंड के द्वारा मारना चाहिए। जो दुष्ट धर्म मार्ग से भ्रष्ट होकर आसुरी प्रवृत्ति में लगा रहता है और स्वधर्म का परित्याग करके पाप से जीविका चलाना चाहता है, कपट से जीवन निर्वाह करने वाले उस पापात्मा को सभी उपायों से मार डालना चाहिए। क्योंकि सभी पापात्माओं का यही विचार रहता है कि जैसे बने वैसे धन को लूट खसोट कर रख लिया जाए। ऐसे लोग दूसरे के लिए असह्य हो उठते हैं। इनका अन्न ना तो स्वयं भोजन करें और ना इन्हें ही अपना अन्न दे, क्योंकि ये छल कपट के द्वारा पतन के गर्त में गिर चुके हैं और देवलोक तथा मनुष्यलोक दोनों से वंचित हो प्रेतों के समान अवस्था को पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, वे यज्ञ और तपस्या से भी हीन हैं। अतः तुम कभी उनका संग ना करो। किसी के धन का नाश करने से भी अधिक दुखदायक कर्म है जीवन का नाश। अतः तुम्हें धर्म की ही रुचि रखनी चाहिए। अतः बात तुम्हें दुष्टों को यत्नपूर्वक बतानी और समझानी चाहिए। पापियों का तो यही निश्चय होता है कि धर्म कोई वस्तु नहीं है। ऐसे लोगों को जो मार डाले, उसे पाप नहीं लगता। पापी मनुष्य अपने कर्मों से ही मारा जाता है। अतः उसको जो मारता है, वो मरे हुए को ही मारता है। उसके मारने का पाप नहीं लगता।
अतः जो कोई भी मनुष्य इन हतबुद्धि पापियों के वध का नियम ले सकता है, जैसे कौवे और गिद्ध होते हैं, वैसे ही कपट से जीविका चलाने वाले लोग भी होते हैं। वे मरने के बाद इन्हीं योनियों में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य जिसके साथ जैसा बर्ताव करे, उसके साथ भी उसे वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। ये न्याय है, धर्म है। कपटपूर्ण आचरण करने वाले को वैसा ही आचरण के द्वारा दबाना उचित है और सदाचारी को सद्व्यवहार के द्वारा ही अपनाना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर, सदाचार और ईश्वर भक्ति आदि को दुख से छूटने का उपाय बताना। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जगत के जीव भिन्न भिन्न भावों के द्वारा जहाँ तहाँ नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं, अतः जिस उपाय से मनुष्य इन दुखों से छुटकारा पा सके वो मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजन, जो द्विज अपने मन को वश में करके शास्त्रोक्त चारों आश्रमों में रहते हुए उनके अनुसार ठीक ठीक बर्ताव करते हैं, वे दुखों के पार हो जाते हैं। जो दम्भयुक्त आचरण नहीं करते, जिनकी जीविका नियमानुकूल चलती है और जो विषयों के लिए बढ़ती हुई इच्छा को रोकते हैं, वे दुख को लांग जाते हैं। जो दूसरों के कटु वचन सुनाने या निंदा करने पर भी स्वयं उन्हें उत्तर नहीं देते, मार खाकर भी किसी को मारते नहीं स्वयं देते हैं, परंतु दूसरों से मांगते नहीं, वे भी दुर्गम संकट से पार हो जाते हैं। जो प्रतिदिन अतिथियों को अपने घर में सत्कारपूर्वक ठहराते हैं, कभी किसी के दोष नहीं देखते हैं तथा नित्य नियम पूर्वक वेदादि सदग्रंथों का श्रद्धा करते रहते हैं, वे दुर्गम संकटों से पार हो जाते हैं। जो धर्मज्ञ पुरुष सदा माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं और दिन में कभी सोते नहीं हैं, वे सभी दुखों से छूट जाते हैं। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी पाप नहीं करते हैं और किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, वह भी संकट से पार हो जाते हैं। जो रजोगुण संपन्न राजा लोभवश प्रजा के धन का अपहरण नहीं करते हैं और अपने राज्य की सब ओर से रक्षा करते हैं, वे भी दुर्गम दुखों को लांग जाते हैं। जो गृहस्थ प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और ऋतुकाल में अपनी स्त्री के साथ धर्मानुकूल समागम करते हैं, वे दुखों से छूट जाते हैं। जो सूरवीर युद्ध स्थल में मृत्यु का भय छोड़कर धर्मपूर्वक विजय पाना चाहते हैं, वे सभी दुखों से पार हो जाते हैं। जो लोग प्राण जाने का अवसर उपस्थित होने पर भी सत्य बोलना नहीं छोड़ते, वे संपूर्ण पापियों के विश्वास पात्र बने रहकर सभी दुखों से पार हो जाते हैं। जिनके शुभ कर्म दिखाए के लिए नहीं होते, दिखावे के लिए नहीं होते, जो सदा मीठे वचन बोलते और जिनका धन सत्कर्मों के लिए बंधा हुआ है, वे दुर्गम संकटों से पार हो जाते हैं। जो अन्य ध्यान के अवसरों पर वेदों का स्वाध्याय नहीं करते और तपस्या में ही लगे रहते हैं, वे उत्तम तपस्वी ब्राह्मण दुस्तर विपत्ति से छुटकारा पा जाते हैं। जो तपस्या करते कुमारावस्था से ही ब्रह्मचर्य के पालन में तत्पर रहते और विद्या और वेदों के अध्ययन संबंधित व्रत का पूर्ण करके स्नातक हो चुके हैं, वे दुष्कर दुखों को तर जाते हैं। जिनके रजोगुण और तमोगुण शांत हो गए हैं तथा जो विशुद्ध सत्वगुण में स्थित है, वे महात्मा दुर्लभ संकटों को भी लांग जाते हैं। जिनसे कोई भयभीत नहीं होता, जो स्वयं भी किसी से भय नहीं मानते तथा जिनकी दृष्टि में ये सारा जगत अपने आत्मा के ही तुल्य है, वे दुष्ट संकटों से तर जाते हैं। जो दूसरों की आपत्ति से ईर्ष्यावश जलते नहीं हैं और ग्राम्य विषय भोगों से निवृत्त हो गए हैं, वे मनुष्य में श्रेष्ठ साधु पुरुष दुष्टर विपत्ति से छुटकारा पा जाते हैं। जो सब देवताओं को प्रणाम करते और सभी धर्मों को सुनते हैं, जिनमें श्रद्धा और शांति विद्यमान है, वे संपूर्ण दुखों से पार हो जाते हैं। जो दूसरों से सम्मान नहीं चाहते, जो स्वयं ही दूसरों को सम्मान देते हैं और सम्माननीय पुरुष को नमस्कार करते हैं, वे दुर्लभ्य संकटों से पार हो जाते हैं। जो संतान की इच्छा रखकर प्रत्येक तिथि पर विशुद्ध हृदय से पितरों का श्राद्ध करते हैं, वे दुर्गम विपत्ति से छुटकारा पा जाते हैं। जो क्रोध को काबू में रखते, क्रोधी मनुष्यों को शांत करते और स्वयं किसी भी प्राणी पर कुपित नहीं होते हैं, वे दुर्लभ्य संकटों से पार हो जाते हैं। जो मानव जन्म से ही सदा के लिए मधु, मांस और मदिरा का त्याग कर देते हैं, वे भी दुस्तर दुखों से छूट जाते हैं। जिनका भोजन स्वाद के लिए नहीं, जीवन यात्रा का निर्वाह करने के लिए होता है, जो विषय वासना की तृप्ति के लिए नहीं, संतान की इच्छा से मैथुन में प्रवृत्त होते हैं तथा जिनकी वाणी केवल सत्य बोलने के लिए है, वे समस्त संकटों से पार हो जाते हैं।
जो समस्त प्राणियों के स्वामी तथा जगत की उत्पत्ति और प्रलय के हेतुभूत भगवान नारायण में भक्तिभाव रखते हैं वे दुष्ट दुखों से तर जाते हैं। युधिष्ठिर, ये जो कमल पुष्प के समान कुछ कुछ लाल रंग के नेत्रों से सुशोभित पीताम्बरधारी महाबाहु श्री कृष्ण हैं, जो तुम्हारे सुहृद भाई मित्र और संबंधी भी हैं, यही साक्षात नारायण हैं। इनका स्वरूप अचिंत्य है। ये पुरुषोत्तम भगवान गोविंद इन संपूर्ण लोगों को इच्छापूर्वक चमड़े की भांति आच्छादित किए हुए हैं। पुरुष प्रभा युधिष्ठिर, वे ही ये दुर्दर्श वीर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण साक्षात वैकुंठ धाम के निवासी श्री विष्णु हैं। राजन, ये इस समय तुम्हारे और अर्जुन के प्रिय तथा हित साधन में संलग्न है। जो भक्त पुरुष यहाँ इन भगवान श्री हरि नारायण देव की शरण लेते हैं वे दुष्ट संकटों से तर जाते हैं, इस विषय में कोई संशय नहीं है। भारत, जो इस कमलनयन श्री कृष्ण को संपूर्ण भक्तिभाव से अपने सारे कर्म समर्पित कर देते हैं वे दुर्गम संकटों को लांग जाते हैं। जो यज्ञ द्वारा आराधना के योग्य है उन साधु प्रतिपालक विश्वविधाता भगवान ब्रह्मा को जो नमस्कार करते हैं वे समस्त दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। विष्णु, इंद्र, शिव तथा लोक पितामह ब्रह्मा नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं उन देवादिदेव परमेश्वर की जो सदा आराधना करते हैं वे दुर्गम संकटों से पार हो जाते हैं। जो लोग इस दुर्गति तरण नामक अध्याय को पढ़ते और सुनते हैं तथा ब्राह्मणों के सामने इसकी चर्चा करते हैं वे दुर्गम संकटों से पार हो जाते हैं। निष्पाप युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने यह संक्षेप में उस कर्तव्य का प्रतिपादन किया है जिसका पालन करने से मनुष्य यहलोक परलोक में समस्त दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, मनुष्य के स्वभाव की पहचान बताने वाली बाघ और सियार की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, बहुत से कठोर स्वभाव वाले मनुष्य ऊपर से कोमल और शांत बने रहते हैं तथा कोमल स्वभाव के लोग कठोर दिखाई देते हैं, ऐसा मनुष्य की मुझे ठीक ठीक पहचान कैसे हो? भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, इस विषय में जानकर लोग एक बाघ और सियार के संवाद रूप प्राचीन आख्यान का उदाहरण दिया करते हैं, उसे ध्यान देकर सुनो। पूर्वकाल की बात है, प्रचुर धन धान्य से संपन्न पुरिका नाम की नगरी में पौरिक नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा ही क्रूर और नराधम था, दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही उसका मन लगता था। धीरे धीरे उसकी आयु समाप्त हो गई और वो ऐसी गति को प्राप्त हुआ जो किसी भी प्राणी को अभिष्ट नहीं है। वो अपने पूर्व कर्म से दूषित होकर दूसरे जन्म में गिदड़ हो गया। उस समय अपने पूर्व जन्म के वैभव का स्मरण करके उस सियार को बड़ा खेद और वैराग्य हुआ, अतः वो दूसरों के द्वारा दिए हुए मांस को भी नहीं खाता था। अब उसने जीवों की हिंसा करनी छोड़ दी, सत्य बोलने का नियम ले लिया और दृढ़तापूर्वक अपने व्रत का पालन करने लगा। वो नियत समय पर वृक्षों से अपने आप गिरे हुए फलों का आहार करता था। व्रत और नियमों के पालन में तत्पर हो कभी पत्ता चबा लेता और कभी पानी पीकर ही रह जाता था। उसका जीवन संशय में बन गया था। वो शमशान भूमि में ही रहता था, वही उसका जन्म हुआ था, इसलिए वही स्थान उसे पसंद था। उसे और कहीं जाकर रहने की रुचि नहीं होती थी। सियार का इस तरह पवित्र आचार विचार से रहना उसके सभी जाति भाइयों को अच्छा ना लगा। यह सब उनके लिए असह्य हो उठा, इसलिए वे प्रेम और विनय भरी बातें कहकर उसकी बुद्धि को विचलित करने लगे। उन्होंने कहा, भाई सियार, तू तो मांसाहारी जीव है और भयंकर शमशान भूमि में निवास करता है, फिर भी पवित्र आचार विचार से रहना चाहता है, ये विपरीत निश्चय है। भैया, अतः तू हमारे ही समान होकर रहे, तेरे लिए भोजन तो हम लोग ला दिया करेंगे। तू इस स्वेच्छाचार का नियम छोड़कर चुपचाप खा लिया करना। तेरी जाति का जो सदा से भोजन रहा है वही तेरा भी होना चाहिए। उनकी ऐसी बात सुनकर सियार एकाग्रचित हो मधुर विस्तृत युक्तियुक्त तथा कोमल वचनों द्वारा इस प्रकार बोला, बंधुओं, अपने बुरे आचरणों से ही हमारी जाति का कोई विश्वास नहीं करता। अच्छे स्वभाव और आचरण से ही कुल की प्रतिष्ठा होती है। अतः मैं भी वही कर्म करना चाहता हूँ जिससे अपने वंश का यश बढ़े। यदि मेरा निवास शमशान भूमि में है तो इसके लिए मैं जो सावधान समाधान देता हूँ उसको सुनो। आत्मा ही शुभ कर्मों के लिए प्रेरणा करता है। कोई आश्रम ही धर्म का कारण नहीं हुआ करता। क्या यदि कोई आश्रम में रहकर
ब्राह्मण की हत्या करे तो उसे उसका पातक नहीं लगेगा, और यदि कोई बिना आश्रम के स्थान में गोदान करे तो क्या वो व्यर्थ हो जाएगा? तुम लोग केवल केवल स्वार्थ के लोभ से मांस भक्षण में रचे पचे रहते हो। उनके परिणाम स्वरूप जो 3 दोष प्राप्त होते हैं उनकी और मोह बस तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। तुम लोगों की जीविका असंतोष से पूर्ण निंदनीय धर्म की हानि के कारण दूषित तथा इहलोक और परलोक में भी अनिष्ट फल देने वाली है, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। शियर की इस पवित्र आचार विचार की चर्चा चारों ओर फैल जाने के कारण एक प्रख्यात पराक्रमी बागरे ने उसे विख्यात और विशुद्ध स्वभाव का मानकर उसके निकट पदार्पण किया और उसको अपने अनुरूप पूजा करके स्वयं ही मंत्री बनाने के लिए उसका वरण किया। बागरे बोला, सभ्य, मैं तुम्हारे स्वरूप से परिचित हूँ, तुम मेरे साथ चलो और अपनी रुचि के अनुसार अधिक से अधिक भोगों का उपभोग करो। जो वस्तुएं प्रिय ना हो उन्हें त्याग देना, परंतु एक बात मैं तुम्हें सूचित कर देता हूँ, सारे संसार में ये बात प्रसिद्ध है कि हमारी जाति का स्वभाव कठोर होता है, अतः यदि तुम कोमलतापूर्वक व्यवहार करते हुए मेरे हित साधन में लगे रहोगे तो अवश्य ही कल्याण के भागी होगे। महामनुष्य मृगराज के इस कथन की भूरी भूरी प्रशंसा करके सियार ने कुछ नतमस्तक होकर विनयुक्त वाणी में कहा। सियार बोला, मृगराज, आपने मेरे लिए जो बात कही है वो सर्वथा आपके योग्य ही है, तथा आप जो धर्म और अर्थ साधन में कुशल एवं शुद्ध स्वभाव वाले सहायकों मंत्रियों की खोज कर रहे हैं ये भी उचित ही है। वीर मंत्रियों के बिना एकाकी राजा विशाल राज्य का शासन नहीं कर सकता। यदि शरीर को सुखा देने वाले कोई दुष्ट मंत्री मिल गया तो उसके द्वारा भी शासन नहीं चलाया जा सकता। महाभाग, इसके लिए आपको चाहिए कि जिनका आपके प्रति अनुराग हो, जो नीति के जानकार, सद्भाव संपन्न, परस्पर गुटबंदी से रहित, विजय की अभिलाषा से युक्त, लोभ से रहित, कपट नीति में कुशल, बुद्धिमान, स्वामी के हित साधन में तत्पर और तपस्वी मनस्वी हो, ऐसे व्यक्तियों को सहायक या सचिव बनाकर आप पिता और गुरु के समान उनका सम्मान करें। मृगराज, मुझे तो संतोष के सिवा और कोई वस्तु रुचती नहीं है। मैं सुख भोग और उनके आधारभूत ऐश्वर्य को नहीं चाहता। आपके पुराने सेवकों के साथ मेरे शीलशील स्वभाव का मेल नहीं खाएगा। मैं दुष्ट स्वभाव के जीव वे दुष्ट स्वभाव के जीव हैं, अतः मेरे निमित्त वे लोग आपके कान भरते रहेंगे। आप अन्य तेजस्वी प्राणियों के भी स्प्रेणीय आश्रय हैं। आपकी बुद्धि सुशिक्षित है, आप महान भाग्यशाली तथा अपराधियों के प्रति भी दयालु हैं। आप दूरदर्शी, महान, उत्साही, स्थूल लक्ष्य जिसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट हो, वो महाबली कृतार्थ सरलतापूर्वक कार्य करने वाला तथा भाग्य से अलंकृत है। इधर मैं अपने आप में ही संतुष्ट रहने वाला हूँ। मैंने ऐसी जीविका अपनाई है जो अत्यंत दुखमयी है। मैं राज सेवा का सेवा के कार्य में अनभिज्ञ और वन में स्वच्छंद पूर्वक घूमने वाला हूँ। जो राजा के आश्रम में रहते हैं उन्हें राजा की निंदा से संबंध रखने वाले सभी दोष प्राप्त होते हैं। इधर मेरे जैसे वनवासियों की व्रतचर्या सर्वथा असंग और भय से रहित है होती है। राजा जिसे अपने सामने बुलाता है उसके हृदय में जो भय खड़ा होता है वो वन में फल मूल खाकर संतुष्ट रहने वाले लोगों के मन में नहीं होता। एक जगह बिना किसी भय के केवल जल मिलता है और दूसरी जगह अंत में भय देने वाले स्वादिष्ट अन्न प्राप्त होता है। इन दोनों को यदि विचार करके मैं देखता हूँ तो मुझे वहाँ ही सुख जान पड़ता है जहाँ कोई भय नहीं है। राजाओं ने किन्हीं वास्तविक अपराधों के कारण उतने सेवकों को दंड नहीं दिया होगा जितने की लोगों के झूठे लगाए गए दोषों से कलंकित होकर राजा के हाथ से मारे गए हैं। मेघराज, यदि आप मुझसे मंत्रित्व का कार्य लेना ही ठीक समझते हैं तो मैं आपसे एक शर्त कराना चाहता हूँ, उसी के अनुसार आपको मेरे साथ बर्ताव करना उचित होगा। मेरे आत्मीयजनों का आपको सम्मान करना होगा। मेरी कही हुई हितकर बातें आपको सुनानी होगी। मेरे लिए जो जीविका की व्यवस्था आपने की है
वो आप ही के पास सुस्थिर एवं सुशिक्षित है, सुरक्षित है। मैं आपके दूसरे मंत्रियों के साथ बैठकर कभी कोई परामर्श नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरे नीतिज्ञ मंत्री मुझसे ईर्ष्या करते हुए मेरे प्रति व्यर्थ की बातें कहने लगेंगे। मैं अकेला एकांत में अकेले आपसे मिलकर आपको हित की बातें बताया करूंगा। आप भी अपने जाति भाइयों के कार्य में मुझसे हिताहित की बात ना पूछिएगा। मुझसे सलाह लेने के बाद यदि आपके पहले के मंत्रियों की भूल प्रमाणित हो तो भी उन्हें प्राण दंड ना दीजिएगा, तथा कभी क्रोध में आकर मेरे आत्मीयजनों पर भी प्रहार ना कीजिएगा। अच्छा, ऐसा ही होगा। ये कहकर शेर ने उसका बड़ा सम्मान किया। सियार बाघ राजा के बुद्धिदायक सचिव के पद पर प्रतिष्ठित हो गया। सियार बहुत अच्छा कार्य करने लगा और उसको अपने सभी कार्य में बड़ी प्रशंसता प्राप्त होने लगी। इस प्रकार उसे सम्मानित होता देख पहले के राजसेवक संगठित हो बारंबार उससे द्वेष करने लगे। उसके मन में दुष्टता भरी थी। वे सियार के पास मित्र भाव से आते और उसे समझा बुझाकर प्रसन्न करके अपने ही समान दोस्त के पद पर चलाने की चेष्टा करते थे। उसके आने के पहले वे और ही प्रकार से रहा करते थे, दूसरों का धन हड़प लिया करते थे, परंतु अब वैसा नहीं कर सकते थे। सियार ने उस सब पर ऐसी कड़ी पाबंदी लगा दी थी कि वे किसी को कोई भी वस्तु लेने में समर्थ हो गए थे। उनकी यही इच्छा थी कि सियार भी डिग जाए, इसीलिए वे तरह तरह की बातों में उसे फुसलाने और बहुत सा धन देने का लोभ देकर उसकी बुद्धि को प्रलोभन में फंसाना चाहते थे। परंतु सियार बड़ा बुद्धिमान था, अतः वो उनके प्रलोभन में आकर धैर्य से विचलित नहीं हुआ। अब दूसरे सभी सेवकों ने मिलकर उसके विनाश के लिए प्रतिज्ञा की और तदनुसार प्रयत्न आरंभ कर दिया। एक दिन उन सेवकों ने शेर के खाने के लिए जो मांस तैयार करके रखा गया था उसके स्थान से हटाकर सियार के घर में रख दिया। जिस उद्देश्य से उस मांस को चुराया और जिसने ऐसा करने की सलाह दी, वो सब कुछ सियार को मालूम हो गया तो भी किसी कारणवश उसने चुपचाप सह लिया। मंत्री पद पर आते समय सियार ने यह शर्त करा ली थी कि राजन, यदि आप मुझसे मैत्री चाहते हैं तो किसी के बहकावे में आकर मेरा विनाश ना कर डालिएगा। भीष्म जी कहते हैं, राजन, उधर शेर को जब भूख लगी और वो भोजन के लिए उठा, तब उसने खाने के लिए जो परोसा जाने वाला था वो मांस उसे नहीं दिखाई दिया। तब मृगराज ने सेवकों को आज्ञा दी कि चोर का पता लगाओ। तब जिनकी यह करतूत थी उन्हीं लोगों ने उस मांस के बारे में शेर को बताया। महाराज, अपने को अत्यंत बुद्धिमान और पंडित मानने वाले आपके मंत्री महोदय ने ही इस मांस का अपहरण किया है। सियार की यह चपलता सुनकर शेर गुस्से से भर गया। उससे ये बात सही नहीं गई, अतः मृगराज ने उसका वध करने का ही विचार कर लिया। उसका यह छिद्र देखकर पहले के मंत्री आपस में कहने लगे, वो हम सब लोगों की जीविका नष्ट करने पर तुला हुआ है, अतः हम भी उससे बदला ले, ऐसा निश्चय करके वे उसके अपराधों का वर्णन करने लगे। महाराज, जब उसके द्वारा ऐसा कर्म किया जा सकता है तब वो और क्या नहीं कर सकता। स्वामी ने पहले उसके बारे में जैसा सुन रखा था वो वैसा नहीं है। वो बातों से ही धर्मात्मा बना हुआ है। स्वभाव से तो बड़ा क्रूर है, भीतर से ये बड़ा पापी है, परंतु ऊपर से धर्मात्मापन का ढोंग बनाए हुए हैं। उसका सारा आचार विचार व्यर्थ दिखावे के लिए है। उसने तो अपना काम बनाने और पेट भरने के लिए ही व्रत करने में परिश्रम किया है। यदि आपको विश्वास ना हो तो ये लीजिए, हम अभी उसके यहाँ से मांस ले आकर दिखाते हैं। ऐसा कहकर वे क्षण भर में ही सियार के घर से उस मांस को उठा लाए। मांस के अपहरण की बात जानकर और उन सेवकों की बातें सुनकर शेर ने उस समय आज्ञा दे दी कि सियार को प्राण दंड दे दिया जाए। शेर की यह बात सुनकर उसकी माता हितकर बचनों द्वारा उसे समझाने के लिए वहाँ आई और बोली, बेटा,
इसमें कुछ कपटपूर्ण षड्यंत्र हुआ मालूम पड़ता है, अतः तुम्हें इस पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। काम में लाग डाट हो जाने से जिनके मन में शुद्ध भाव नहीं है वे लोग निर्दोष पर ही दोषारोपण करते हैं। किसी को अपने से ऊंची अवस्था में देखकर कोई कोई ईर्ष्यावश सहन नहीं कर पाते हैं, यही वैरभाव उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है। कोई कितना ही शुद्ध और उद्योगी क्यों ना हो, लोग उस पर दोषारोपण कर ही देते हैं। अपने धार्मिक कर्मों में लगे हुए वनवासी मुनि के भी शत्रु मित्र और उदासीन, ये तीन पक्ष पैदा हो जाते हैं। लोभी लोग निर्लोभी से, कायर बलवान से, मूर्ख विद्वान से, दरिद्र बड़े बड़े धनियों से, पापाचारी धर्मात्माओं से और कुरूप सुंदर रूप वालों से द्वेष करते हैं। विद्वान में भी बहुत से ऐसे अविवेकी लोभी और कपटी होते हैं जो बृहस्पति के समान बुद्धि रखने वाले निर्दोष व्यक्ति में भी दोष ढूंढ निकालते हैं। एक और तो तुम्हारे सुने घर से मांस की चोरी हुई है और दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा है जो देने पर भी मांस लेना नहीं चाहता। इन दोनों बातों पर पहले अच्छी तरह विचार करो। संग्राम में बहुत से असभ्य प्राणी सभ्य की तरह और सभ्य लोग असभ्य के समान देखे जाते हैं। इस तरह अनेक प्रकार के भाव दृष्टिगोचर होते हैं, अतः उनकी परीक्षा कर लेनी उचित है। आकाश आंधी की हुई कड़ाही के तले भीतरी भागों के समान दिखाई देता है और जुगनु अग्नि के सदस्य दृष्टिगोचर होता है, परंतु न तो आकाश में तल है और न जुगनू में अग्नि ही है। इसलिए प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तु की भी परीक्षा करनी उचित है। जो परीक्षा लेकर भले बुरे की जांच करते हैं, किसी कार्य के लिए आज्ञा देते हैं, उसे पीछे पछताना नहीं पड़ता। बेटा, यदि शक्तिशाली राजा दूसरे को मरवा डाले तो ये उसके लिए कोई कठिन काम नहीं है, परंतु शक्तिशाली पुरुषों में यदि क्षमा का भाव हो तो संसार में उसी की बड़ाई की जाती है और उसी से राजाओं का यश बढ़ता है। बेटा, तुमने ही इस शेयर को मंत्री के पद पर बिठाया है और तुम्हारे सामंत में भी इसकी ख्याति बढ़ गई है। कोई सुपात्र व्यक्ति बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। यह शेयर तुम्हारे हितैषी सुहद है, इसलिए तुम इसकी रक्षा करो। जो दूसरों के मिथ्या कलंक लगाने पर किसी निर्दोष को भी दंड देता है, वह दुष्ट मंत्रियों वाला राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तदनंतर उन्हीं शत्रुओं के समूह में से किसी धर्मात्मा सियार ने, जो शेर का गुप्तचर बना था, आकर गिदड़ के साथ जो यह छलकपट किया गया था वो सब सिंह को कह सुनाया। इससे शेर को सियार की सच्च चरित्र का पता चल गया और उसने उसका सत्कार करके उसे उस अभियोग से मुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, मृगराज ने स्नेहपूर्वक बारंबार अपने सचिव को गले से लगाया। तत्पश्चात नीति शास्त्र के ज्ञाता सियार ने मृगराज की आज्ञा लेकर अमस्त संतप्त हो उपवास करके प्राण त्याग देने का विचार किया। शेर ने धर्मात्मा गिदड़ का भलीभांति आदर सत्कार करके उसे उपवास से रोक दिया। उस समय उसके नेत्र स्नेह से खिल उठे थे। सियार ने देखा मालिक का हृदय स्नेह से आकुल हो रहा है, तब उसने उसे प्रणाम करके अश्रुगदगद वाणी से इस प्रकार कहना आरंभ किया। महाराज, पहले तो आपने मुझे सम्मान दिया और पीछे अपमानित कर दिया, शत्रु की सी अवस्था में डाल दिया। अब मैं आपके पास रहने योग्य नहीं हूँ। जो अपने पद से गिरा दिया जाने के कारण असंतुष्ट हो, अपमानित किया गया हो, जो स्वयं राजा से पुरस्कृत होकर दूसरे के द्वारा कलंक लगाए जाने के कारण उस आदर से वंचित कर दिया गया हो, जो क्षीण लोभी क्रोधी भयभीत और धोखे में डाल दिया गया हो, जिनका सर्वस्व छीन लिया गया हो, जो मानी हो जिनकी आय छीन गई हो, जो महत्वपूर्ण पद पाना चाहते हो जिन्हें सताया गया हो, जो किसी राजा पर आने वाले संकट समूह की प्रतीक्षा कर रहे हो, छिपे रहते हो और मन में कपट भाव रखते हो, वे कभी सेवक शत्रु का काम बनाने वाले होते हैं। जब मैं एक बार अपने पद से भ्रष्ट और अपमानित हो गया हूँ, तब पुनः आप मुझ पर कैसे विश्वास कर सकेंगे, अथवा मैं ही कैसे आपके पास रह सकूँगा। अपने योग्य समझकर मुझे अपनाया और मंत्री के पद पर बिठाकर मेरी प्रतीक्षा ली। इसके बाद अपनी ही की हुई प्रतिज्ञा को तोड़कर मेरा अपमान किया। पहले मेरी सभा में स्थिलवान कहकर जिसका परिचय दिया गया हो, प्रतिज्ञा की रक्षा करने वाले पुरुष को उसका दोष नहीं बताना चाहिए। जब मैं इस प्रकार यहाँ
अपमानित हो गया तो अब आप पर मेरा विश्वास ना होगा और आप भी मुझ पर विश्वास नहीं कर सकेंगे। ऐसी दशा में आपसे मुझे सदा भय बना रहेगा। आप मुझ पर संध्या करेंगे और मैं आपसे डरता रहूँगा। इधर पराए दोस्त ढूंढने वाले आपके वृद्ध लोग मौजूद ही हैं। इनका मुझ पर तनिक भी स्नेह नहीं है तथा इन्हें संतुष्ट रखना भी मेरे लिए अत्यंत कठिन है। साथ ही यह मंत्री का कर्म भी अनेक प्रकार के छल कपट से भरा हुआ है। प्रेम का बंधन बड़ी कठिनाई से टूटता है और जब वो एक बार टूट जाता है तब तो बड़ी कठिनाई से जुट पाता है। जो प्रेम बारंबार टूटता और जुड़ता रहता है उसमें स्नेह नहीं होता। ऐसा मनुष्य कोई एक ही होता है जो अपने या दूसरे के हित में रत ना रहकर स्वामी के ही हित में संलग्न दिखाई देता हो, क्योंकि अपने कार्य की अपेक्षा रखकर स्वार्थ साधन का उद्देश्य लेकर प्रेम करने वाला तो बहुत होते हैं, परंतु शुद्ध भाव से स्नेह रखने वाले मनुष्य अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य को पहचानना राजा के लिए अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि उनका चित्त चंचल होता है। सैकड़ों में से कोई एक ही ऐसा मिलता है जो सब प्रकार के सुयोग्य होता हुआ भी संदेह से परे हो। मनुष्य के उत्कर्ष और अपकर्ष, उन्नति और अवनति अकस्मात होते हैं। किसी का भला करके बुरा करना और उसे महत्व देकर नीचे गिराना, ये सब ओछी बुद्धि का परिणाम है। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम और युक्ति से युक्त संतानपूर्ण वचन कहकर सियार ने बाघ राजा को प्रसन्न कर लिया और उसकी अनुमति लेकर वो वन में चला गया। वो बड़ा बुद्धिमान था, अतः शेर की अनुनय विनय न मानकर मृत्यु प्रयत्न निराहार रहने का व्रत ले एक स्थान पर बैठ गया और अंत में शरीर त्याग कर स्वर्गधाम में जा पहुंचा। नेक्स्ट, एक तपस्वी ऊंट के आलस्य का कुपरिणाम और राजा का कर्तव्य। युधिष्ठिर ने पूछा, समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पितामह, राजा को क्या करना चाहिए? क्या करने से यह सुखी हो सकता है? ये मुझे यथार्थ रूप से बताइए। भीष्म जी ने कहा, नरेश, राजा का जो कर्तव्य है और जो कुछ करके वो सुखी हो सकता है उस कार्य का निश्चय करके अब मैं तुम्हें बतलाता हूँ, उसे सुनो। युधिष्ठिर, हमने एक ऊँट का जो महान वृत्तांत सुन रखा है उसे तुम सुनो। राजा को वैसा बर्ताव करना चाहिए। प्रजापत्य युग यानी सतयुग में एक महान ऊँट था। उसको पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। उसने कठोर व्रत के पालन का नियम लेकर वन में बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। उस तपस्या के अंत में पितामह भगवान ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उससे वर मांगने के लिए कहा। ऊँट बोला, भगवान, आपकी कृपा से मेरी यह गर्दन बहुत बड़ी हो जाए जिससे जब मैं चरने के लिए जाऊं तो 100 योजन से अधिक दूरी तक खाद्य वस्तुएं ग्रहण कर सकूं। तो दोस्तों, मैंने ये पहले ही कहा है कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर से जो कुछ भी कह रहे हैं वो उन्होंने किसी से सुना होगा। वो जैसा बताया वैसा ही बोल रहे हैं, किसी साधु से या ऋषि से। वरदायक महात्मा ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहकर उससे मुँह मांगा वर दे दिया। वो उत्तम वर पाकर ऊँट अपने वन में चला गया। उस खोटी बुद्धि वाले ऊँट ने वरदान पाकर कहीं आने जाने में आलस्य कर दिया। वो दुरात्मा काल से मोहित होकर चरने के लिए कहीं जाना ही नहीं चाहता था। एक समय की बात है, वो अपनी 100 योजन लंबी गर्दन फैलाकर चल रहा था। उसका मन चरने में कभी थकता नहीं था। इतने में ही बड़े जोर से हवा चलने लगी। वो पशु किसी गुफा में अपनी गर्दन डालकर चल रहा था। इसी समय सारे जगत को जल से आवलित करती हुई बड़ी भारी वर्षा होने लगी। वर्षा आरंभ होने पर भूख और थकावट से कष्ट पाता हुआ एक गिदड़ अपनी स्त्री के साथ शीघ्र ही उस गुफा में आ घुसा। वो जल से पीड़ित था। सर्दी से उसके सारे अंग अकड़ गए थे। वरश्रेष्ठ, वो मांसजीवी गिदड़ अत्यंत भूख के कारण कष्ट पा रहा था, अतः उसने ऊँट की गर्दन का मांस काट काट कर खाना आरंभ कर दिया। अब उस पशु को यह मालूम हुआ कि उसकी गर्दन खाई जा रही है, तब वो अत्यंत दुखी हो उसे समेटने का प्रयत्न करने लगा। वो पशु जब तक अपनी गर्दन को ऊपर नीचे समेटने का यत्न करता रहा तब तक ही स्त्री सहित सियार ने उसे काट कर खा लिया। इस प्रकार ऊँट को मार कर खा जाने के पश्चात जब आंधी और वर्षा बंद हो गई तब वो गीदड़ गुफा के मुहाने से निकल आया। इस तरह उस मूर्ख ऊँट की मृत्यु हो गई। देखो,
उसके आलस्य के क्रम से कितना ही महान दोष प्राप्त हो गया, इसलिए तुम्हें भी ऐसे आलस्य को त्याग करके इंद्रिय को वश में रखते हुए बुद्धि पूर्वक बर्ताव करना उचित है। मनु जी का कथन है कि विजय का मूल बुद्धि ही है। भारत बुद्धि बल से किए गए कार्य श्रेष्ठ है, बाहुबल से किए जाने वाले कार्य मध्यम है, जांच अर्थात पैर के बल से किया गया कार्य अधम कोटि के हैं और मस्तक के भार ढोने का कार्य सबसे निम्न श्रेणी का है। जो जितेंद्रिय और कार्यदक्ष है उसी का राज्य स्थिर रहता है। मनोजी का कथन है कि संकट में पड़े हुए राजा की विजय का मूल बुद्धि बल ही है। निष्पाप युधिष्ठिर जो गुप्त मंत्रणा सुनता है, जिसके सहायक अच्छे हैं तथा जो भली भांति जाँच बूझ कर कोई कार्य करता है, उसके पास ही धन स्थिर रहता है। सहायकों से संपन्न नरेश ही समुची पृथ्वी का शासन कर सकता है। महेंद्र के समान प्रभावशाली नरेश पूर्व काल में राज्य संचालन की विधि को जानने वाले सत्पुरुषों ने यह बात कही थी। मैंने भी शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार तुम्हें ये बात बताई है राजन, इसे अच्छी तरह समझ कर इसी के अनुसार चलो। नेक्स्ट चैप्टर, शक्तिशाली शत्रु के सामने वेद की बात, नतमस्तक होने का आदेश, सरिता और समुद्र का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ राजा एक दुर्लभ राज्य को पाकर भी सेना और खजाना आदि साधनों से रहित हो तो सभी मनुष्य सभी दृष्टियों से अत्यंत बढ़ चढ़े हुए शत्रु के सामने कैसे टिक सकता है? भीष्म जी ने कहा, भारत इस विषय में विज्ञ पुरुष सरिताओं तथा समुद्र के संवाद रूप एक प्राचीन उपाख्यान का दृष्टांत दिया करते हैं। एक समय की बात है, दैत्यों के निवास स्थान और सरिताओं के स्वामी समुद्र ने संपूर्ण नदी से अपने मन का एक संदेह पूछा। समुद्र ने कहा, नदियों, मैं देखता हूँ कि जब बाढ़ आने के कारण तुम लोग लबालब भर जाती हो, तब विशाल काय वृक्षों को जड़ मूल और शाखाओं सहित उखाड़ कर अपने प्रभाव में बहा लाती हो, परंतु उनमें वेद का कोई पेड़ नहीं दिखाई देता। वेद का शरीर तो नई के बराबर बहुत पतला है, उसमें कुछ दम नहीं होता और वो तुम्हारे साथ तुम्हारे खास किनारे पर जमता है, फिर भी तुम उसे नहीं ला सकी, क्या कारण है? क्या तुम अवहेलना बस उसे कभी नहीं लाई अथवा उसने तुम्हारा कोई उपकार किया है? इस विषय में तुम सब लोगों का विचार मैं सुनना चाहता हूँ। क्या कारण है कि वेद का वृक्ष तुम्हारे इन तटों को छोड़कर नहीं आता है? उसके बाद ये एक चित्र है। इस प्रकार प्रश्न होने पर गंगा नदी ने सरिताओं के स्वामी समुद्र से ये उत्तम अर्थयुक्त युक्तियुक्त तथा मन को ग्रहण करने वाली बात कही। गंगा बोली, नदीश्वर, ये वृक्ष अपने अपने स्थान पर अकड़ कर खड़े रहते हैं, हमारे प्रभाव के सामने मस्तक नहीं झुकाते। इस प्रतिकूल बर्ताव के कारण ही उन्हें नष्ट होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, परंतु वेद ऐसा नहीं है। वेद नदी के बेग को आते देख झुक जाता है, पर दूसरे वृक्ष ऐसा नहीं करते। अतः वो सरिताओं का बेग शांत होने पर पुनः अपने स्थान में ही स्थित हो जाता है। वेद समय को पहचानता है, उसके अनुसार बर्ताव करना जानता है, सदा हमारे वश में रहता है, कभी उदंडता नहीं दिखाता और अनुकूल बना रहता है, उसमें कभी अकड़ नहीं आती है, इसीलिए उसे स्थान छोड़कर यहाँ नहीं आना पड़ता है। जो पौधे, वृक्ष या लता गुल्म हवा और पानी के वेग से झुक जाते हैं और वेग शांत होने पर सिर उठाते हैं, उनका कभी पराभव नहीं होता। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार जो राजा बल में बढ़ चढ़े और बंधन में डालने और विनाश करने में समझ शत्रु के प्रथम वेग को सिर झुकाकर नहीं सह लेता है, वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो बुद्धिमान राजा अपने और शत्रु के सार असार बल और पराक्रम को जानकर उसके अनुसार बर्ताव करता है, उसकी कभी पराजय नहीं होती। इस प्रकार विद्वान राजा जब शत्रु के बल को अपने से अधिक समझे, तब वेद का ही ढंग अपना ले, अर्थात उसके सामने नतमस्तक हो जाए, यही बुद्धिमानी का लक्षण है। नेक्स्ट चैप्टर, दुष्ट मनुष्यों द्वारा की हुई निंदा को सह लेने से लाभ। युधिष्ठिर ने पूछा, शत्रुदमन भारत, यदि कोई ढीठ मूर्ख मधुर या तीखे शब्दों में भरी सभा में के बीच किसी विद्वान पुरुष की निंदा करने लगे तो वो उसके साथ कैसा बर्ताव करें? भीष्म जी ने कहा, भूपाल सुनो, इस विषय में सदा से जैसी बात कही जाती है उसे बता रहा हूँ।
विशुद्ध चित्त वाला पुरुष इस जगत में सदा ही मूर्ख मनुष्य के कठोर वचनों को सहन करता है। जो निंदा करने वाले पुरुष के ऊपर क्रोध नहीं करता वो उसके पुण्य को प्राप्त कर लेता है। वो सहनशील मनुष्य अपना सारा पाप उस क्रोधी पुरुष पर ही धो डालता है। अच्छे पुरुष को चाहिए कि वो टिटियरी या रोगी की तरह टाई टाई करते हुए उस निंदाकारी पुरुष की अपेक्षा कर दे। इससे वो सब लोगों के द्वेष का पात्र बन जाएगा और उसके सारे सत्कर्म निष्फल हो जाएंगे। वो मूर्ख तो उस पापकर्म के द्वारा सदा अपनी प्रशंसा करते हुए कहता है कि मैंने अमुक सम्मानित पुरुष को भरी सभा में ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि वो लाज से गड़ गया, उसका मुख सूख गया और वो अधमरा सा हो गया। इस प्रकार निंदनीय कर्म करके वो अपनी प्रशंसा करता है और तनिक भी लजाता नहीं है। ऐसे नरधाम की यत्नपूर्वक उपेक्षा कर देनी चाहिए। मूर्ख मनुष्य जो कुछ भी कह दे विद्वान पुरुष को वो सब सह लेना चाहिए। जैसे वन में कौवा व्यर्थ ही काव काव किया करता है, उसी तरह मूर्ख मनुष्य भी आकरण ही निंदा करता है। वो प्रशंसा कर या निंदा किसी का क्या भला बुरा करेगा, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकेगा। यदि पापाचारी पुरुष कटु वचन बोलने पर बदने में वैसा ही वचनों का प्रयोग किया जाए तो उससे केवल वाणी द्वारा कलह मात्र होगा। जो हिंसा करना चाहता है उसका गाली देने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। मयूर जब नाच दिखाता है उस समय वो अपने गुप्त अंगों को भी उधार देता है। इसी प्रकार जो मूर्ख अनुचित आचरण करता है वो उस कुचेष्टा द्वारा अपने छिपे हुए दोषों को प्रकट करता है। संसार में जिसके लिए कुछ भी कह देना या कर डालना असंभव नहीं है, ऐसे मनुष्यों से उस भले मनुष्य को बात भी नहीं करनी चाहिए जो अपने सत्कर्मों के द्वारा विशुद्ध समझा जाता है। जो सामने आकर गुण गाता है और परोक्ष में निंदा करता है वो मनुष्य संसार में कुत्ते के समान है, उसके लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। परोक्ष में परनिंदा करने वाला मनुष्य सैकड़ों मनुष्यों को जो कुछ दान देता है, होम करता है, उस सब कर्मों को तत्काल नष्ट कर देता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो वैसा पाप कर्म विचार वाला पुरुष को तत्काल त्याग दे। वो कुत्ते के मांस के समान साधु पुरुषों के लिए सदा ही त्याज्य है। जैसे सांप अपने फन को ऊंचा उठाकर प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जन समुदाय में किसी महापुरुष की निंदा करने वाला दुरात्मा अपने ही दोषों को प्रकट करता है। जो परनिंदा रूप अपना कार्य करने वाले दुष्ट पुरुष से बदला लेना चाहता है वो राख में लौटने वाले मूर्ख गधे के समान केवल दुख में निमग्न होता है। जो सदा लोगों की निंदा में ही तत्पर रहता है वो मनुष्य के शरीर रूप घर में रहने वाले भेड़िया है। वो सदा अशांत बना रहता है, मतवाले हाथी के समान चित्कार करता है और अत्यंत भयंकर कुत्ते के समान काटने को दौड़ता है। श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि उसे सदा के लिए त्याग दे। वो मूर्खों द्वारा सेवित पथ पर चलने वाला है, इंद्रिय संयम और विनय से कोसों दूर है। उसने शत्रुता का व्रत ले रखा है, वो सदा सबकी अवनति चाहता है। उस पापात्मा एवं पाप बुद्धि मनुष्य को धिक्कार है। यदि ऐसे दुष्ट मनुष्य किसी पर आक्रमण करके उसकी निंदा करने लगे और उससे सुनकर भला मनुष्य उसका उत्तर देने के लिए उद्यत हो तो उसे रोक कर कहे कि तुम दुखी ना हो, क्योंकि स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य उच्च पुरुष का नीच के साथ होने वाले संयोग की अर्थात बराबरी निंदा करते हैं। यदि क्रूर स्वभाव का मूर्ख मनुष्य कुपित हो जाए तो वो थप्पड़ मार सकता है, मुंह पर धूल अथवा भूसी झोंक सकता है और दांत निकाल कर डरा सकता है। उसके द्वारा सारी कुचेष्टाएँ संभव है। जो इस दृष्टांत को सदा पढ़ता या सुनता रहता है और जो मनुष्य स्वभाव में किसी अत्यंत दुष्टात्मा द्वारा की हुई निंदा को सह लेता है वो दुर्जन मनुष्य से कभी वाणी द्वारा होने वाले निष्ठाजनित किंचित मात्र दुख का भी भागी नहीं होता। नेक्स्ट चैप्टर राजा और राजसेवकों के आवश्यक गुण।